हेलो गाइस, दिस इज योगेश परिहार। म्यूकरमाइकोसिस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है। उसके बारे में जानने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। ऐसी बातें जो कि मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर गलत ढंग से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, उन बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस की गई हर बात का सोर्स रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर, दैट इज म्यूकरमाइकोसिस एक ब्लैक फंगस है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी में कहीं पर भी म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस का कोई रिलेशनशिप नहीं शो किया है। एक्चुअली ब्लैक फंगस अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, जिसमें मेलेनिन नाम का पिगमेंट फंगाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जिससे वो कलर शो करता है, वो ब्लैक भी हो सकता है। अब बात आती है क्यों म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। एक्चुअली म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट में जो मोस्ट कॉमनली पार्ट इन्वॉल्व होता है वो होता है नोज एंड आई। वहाँ ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, जिससे वो पार्ट ऑलमोस्ट डेड होने लगता है, जिस कारण से वो हमें ब्लैक अपेयर होता है। वही डेड पार्ट या लेस ब्लड सप्लाइड पार्ट हमें ब्लैक अपेयर होता है, इसीलिए हम इसे इनफॉर्मली ब्लैक फंगाई बोल रहे हैं, बट एक्चुअली ये गलत है। अब जानते हैं सेकेंड मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस इज नॉट कॉन्टेजियस, दैट इज म्यूकरमाइकोसिस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। एक्चुअली म्यूकरमाइकोसिस स्पोर्ट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, जो कि हमारे इंडोर एंड आउटडोर एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोइल में भी प्रेजेंट होता है, जिसके स्पोर्ट्स हमारी बॉडी पर भी अभी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि हमारी नाक के अंदर भी इसके स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं ड्यू टू अवर बैलेंस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सेम रीजन रहेगा हमारे थर्ड पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, म्यूकरमाइकोसिस ह्यूमिडिफायर वाटर और ऑक्सीजनेशन से स्प्रेड नहीं होता है। उसी में लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एंटीफंगल प्रोफाइलेक्सिस इज नॉट रिकमेंडेड इन ऑल, एज द इंसिडेंस इज नॉट मोर देन 10% इन पोस्ट कोविड पेशेंट्स। जरूरी नहीं है जिसे प्रेजेंट कोविड 19 इन्फेक्शन है उसे म्यूकेरियल्स का इन्फेक्शन होगा, या फिर पोस्ट कोविड पेशेंट को म्यूकेरियल्स का इन्फेक्शन होगा। म्यूकेरियल्स इन्फेक्शन बहुत ही कम पॉपुलेशन में देखा गया है, इसलिए एंटीफंगल प्रोफाइलेक्सिस सभी में रिकमेंड नहीं की गई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, कौन लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर, वहीं पर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में हम वहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपने पेशेंसफुली मुझे यहाँ तक सुना। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच।